सुप्रीम कोर्ट से आम्रपाली के खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर खरीदारों का रजिस्ट्रेशन करने और उन्हें फ्लैट देने में देरी की गई तो अधिकारियों को जेल जाना होगा। इसके बाद अथॉरिटी के अधिकारियों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि उनके किसी भी आदेश में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरह खिंचाई की नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की कि जो लोग रह रहे हैं 9.5 से 10 हजार लोग हैं ए कैटेगरी प्रोजेक्ट में, उनकी तीन ही असुविधाएं हैं। विशेष कर एक कि उनके पास रजिस्ट्रेशन या ओनरशिप के कागजात नहीं हैं, दो न बिजली है पूर्ण रूप से और न पानी है। तो कोर्ट ने तीनों आदेश पारित कर दिए हैं नोएडा अथॉरिटी को और बाकी अथॉरिटी को कि इसके ऊपर तुरंत अमल किया जाए और मेरे को उम्मीद है कि आज से 2-3 हफ्ते के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। कि यदि NBCC को बनाना है तो क्या तरीका हो और पैसे कहाँ से आए। हमने करीबन एक चार्ट दी है जिसमें 6,150 के लगभग होम बायर्स के फ्लैट्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए करीबन 725 करोड़ चाहिए। और ये जो है NBCC का आधार ये कि ये 3 महीने से 12 या 14 महीने में बन सकते हैं। हमने कोर्ट को कहा कि इस NBCC को ये कहा जाए कि ये जो 6,200 के लगभग फ्लैट्स हैं इन पर काम तुरंत प्रारंभ करें और इसके लिए जो पैसे की व्यवस्था है वो भी हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया।